आज है ऐतिहासिक 21 जुलाई का दिन और आज के दिन ममता बनर्जी धर्मतल्ला मैदान से ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित कर रही है। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं कोलकाता महानगर के एमजी रोड इलाके में। ये एमजी रोड का इलाका है, आप देख सकते हैं एक तरफ जहां ममता बनर्जी की भाषण चल रही है, वहीं दूसरी ओर यहां पर हज़ारों की संख्या में टीएमसी के वर्कर्स अब भी टीएमसी के कार्यकर्ता धर्मतल्ला की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये कलकत्ता का वार्ड नंबर 39 पड़ता है और यहाँ पर टीएमसी के वार्ड प्रेसिडेंट और यहाँ के मुकामी काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन की ओर से एक विशाल कैंप लगाया गया है, जहाँ पे टीएमसी के जो वर्कर्स हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को चना, खजूर, पानी और सब चीज़ें बांटी जा रही है, दी जा रही है, ताकि इन्हें किसी तरह का कोई भी परेशानी। आप देख सकते हैं किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता जो दूर दराज से आए हुए, जो ग्रामगंज से आए हुए हैं टीएमसी के वर्कर्स, उन्हें चना दिया जा रहा है, उन्हें चना बांटी जा रही है, खजूर बांटी जा रही है, पानी देने का भी इंतज़ाम है, साथ ही साथ मेडिकल कैंप्स भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीएमसी के जो वर्कर्स हैं, टीएमसी कार्यकर्ता यहाँ पर जो है मौजूद है। एक तरफ मेडिकल कैंप है और ये जो इलाका है आप देख सकते हैं कोलकाता का वार्ड नंबर 39 है और यहाँ के मुकामी काउंसलर यहाँ पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से टीएमसी के जो काउंसलर है जसीमुद्दीन, वो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर किस तरह से यहाँ पर कैंप को देख रहे हैं और कैंप का काम किस तरह से हो वो यहाँ कर इसको परिचालित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ममता बनर्जी का एक तरफ भाषण शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ जो है इस कैंप पे देख सकते हैं किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी वर्कर्स बैठे हुए हैं और दूसरी ओर हजारों की संख्या में टीएमसी के जो वर्कर्स हैं वो रैली जलसागाह की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये धर्मतल्ला की ओर जा रहा है और ये गिरीश पार्क से लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। आइए हम यहाँ के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन से हम बात करते हैं आज की रैली को लेकर। रैली है 29वां शहीद दिवस, हम लोग का सबसे आज अहम दिन है पार्टी के लिए, जहाँ शहीदों को हम लोग खराज अकीदत पेश करते हैं, वही साथ ही साथ हम प्रतिज्ञा लेते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेशे मंजर। हम सबका यह ख्वाहिश है कि लाल किला में हवाई चप्पल पहन के 400 रुपये का साड़ी में एक दिन ममता बनर्जी झंडा लहराएंगी और हम गर्व से कहेंगे हमारी देश की वजीर आजम ममता बनर्जी झंडा लहरा रही हैं। एक दिन लाल किला पर ममता बनर्जी झंडा लहराए, ये सपना हम लोग साकार करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर हैं, हमारा कैंप सुबह 9 बजे से हम लोग कैंप चालू किए हैं। यहाँ पर मैं पाव रोटी, केला, कैडबेरीज, च्युइंगम्स, चॉकलेट्स और 3 किस्म का यहाँ चना आप देखे होंगे, 3 किस्म का चना, एक खजूर के साथ, एक किशमिश के साथ और एक नमक के साथ। पानी का बोतल दिया जा रहा है, शरबत का इंतज़ाम है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी बसें हैं, जब तक ये तमाम बसें राम मंदिर तक, मेरी जिम्मेदारी है ये सेंट्रल एवेन्यू प्रभात सिनेमा से लेकर राम मंदिर तक जितनी बसें हैं, यहाँ के जितने भी लोग आए हैं पार्टिसिपेट, जब तक ये लोग नहीं चले जाते हम लोग 6 बजे तक यहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा मेडिकल कैंप भी हुआ है, हर तरह की दवाइयाँ हैं, पीछे में 2-2 बेड भी है, ORS हम लोग दे रहे हैं, हर तरह की दवाइयाँ यहाँ पर दस्तियाब है। और साथ ही साथ हमारे सैकड़ों जो वॉलंटियर्स हैं आप देख रहे हैं, आज हमारे जो कर्मी हैं उनको भी इस्तकबाल दिया गया। सैयद माजिद हसन वारसी साहब जो कि तृणमूल कांग्रेस के फाउंडर मेंबर हैं और ममता बनर्जी के बहुत बड़े मद्दा हैं, शुरू से ही तृणमूल कांग्रेस के साथ है 1997-98 से, और हर साल यहाँ मेरे कैंप में आते हैं, इस कैंप का जीनत बढ़ाते हैं। आज आपने देखा यहाँ पर हम लोगों ने तृणमूल यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से 11 नौजवानों को आज हम लोगों ने जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ पर मैं अपॉइंट किया है, जो मैंने आज घोषणा किया है। मैं शांति रंजन कुंडू जो हमारे
नॉर्थ के प्रेसिडेंट है सुदीप बंदोपाध्याय जी से भी मैं अनुरोध करूंगा, आज हम लोग तृणमूल यूथ कांग्रेस को और भी अपने वार्ड में मजबूत करेंगे। हमारा जो महिला संगठन है, छात्र संगठन है, हमारा जो एससी है, एससी का संगठन है, माइनॉरिटी का संगठन है, हिंदी सेल, हमारा हिंदी सेल है, हमारा जय हिंद वाहिनी है, ये तमाम संगठन को हम लोग मजबूत करेंगे। और आज तृणमूल यूथ कांग्रेस के 11 जनरल सेक्रेटरी को आज हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया है, ये जनरल सेक्रेटरी के ऐसे ऐसे काम करेंगे। ममता बनर्जी खुद इतिहास है, ममता बनर्जी द सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी, ममता बनर्जी द सिंबल ऑफ पीस, ममता बनर्जी द सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी, द सिंबल ऑफ सेकुलरिज्म, द सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट, द सिंबल ऑफ मानवता, द सिंबल ऑफ एकजहती, द सिंबल ऑफ सालमियत, ममता बनर्जी द सिंबल ऑफ एकता, अखंडता, भाईचारगी, ममता बनर्जी द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। पूरा पश्चिम बंगाल यहाँ पर आ गया है, क्या बोलेंगे, पूरा पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ लोग तो यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन 11 करोड़ लोगों का समर्थन ममता बनर्जी के साथ है। आने वाले 24 की लड़ाई में हम लोग बंगाल से बीजेपी को सिफिर करेंगे। 77 में से बीजेपी 65-68 हो गया है, एक दिन आएगा जब 70 से हम लोग साथ में ले आएंगे, और 42 में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी बंगाल में। यही कसम है, हम लोग गांव-गांव जाएंगे, जो लोग आज भी बीजेपी का झंडा लिए हैं सबको तृणमूल कांग्रेस में बुलाएंगे। आज मेरे मंच में बहुत सारे कांग्रेस जो पिछले चुनाव में कांग्रेस किए थे, चाहे वो मोहम्मद गुलजार हो, और भी कई लड़के जो कांग्रेस किए थे आज मैंने यहाँ ज्वाइन किया, वो तमाम वीडियो क्लिप आपको मिल जाएगा इंतखाब से। सीपीएम 294 में जीरो है, सिफर है। यहाँ पर कांग्रेस 130 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस बंगाल में सिफर है। अब हमारा टारगेट है, और ये 13 शहीदों को खराज अकीदत देते हुए हम ये कसम खाते हैं कि बंगाल में बीजेपी को सिफर करेंगे। ये आवाम का समर्थन, ये जन सैलाब, ये लोगों का जन सैलाब, ये लोग लाखों लाखों की तादाद में 30 से 40 लाख लोग जो कलकत्ता में आए हैं, इन्होंने हमें ऑक्सीजन दिया है, इन्होंने हमें ऊर्जा दिया है, और इनके जज्बात की हम कदर करते हैं और एक ही नारा देते हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ।